आज कोविड 19 सम्मुख योद्धा अनुकूल क्रास कोर्स कार्यक्रम शुभारंभ कर प्रधानमंत्री आ किसी समय अपेक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया शुभारंभ कर नरेंद्र मोदी पखापाखि 26 राज्य में 111 प्रशिक्षण केन्द्र में यह कार्यर शुभारंभ कर इस विषय को हम सबको प्रबोधन दिया उसी क्रम में इसकी कार्य योजना बनाई और आज इस लॉन्चिंग के अवसर पर हमारे संग वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए माननीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, श्री आरके सिंह जी, श्री अश्विनी चौबे, श्री नित्यानंद राय जी, एनएसडी चेयरमैन श्री एम नाइक जी, हेल्थ सेक्टर स्किल काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहान जी, विभाग के सचिव श्री प्रवीण कुमार जी, राज्यों से जुड़े माननीय कौशल मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण तथा प्रशिक्षु एवं अन्य महानुभावों के प्रति मैं सम्मान व्यक्त करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिस तरह आपने कोरोना की महामारी को मार्च 2020 से भारत जैसे विशाल देश में उस चुनौती को संभाला, दूसरी लहर आने की परिस्थिति में भी इस कठिन चुनौती में इतने विशाल देश में विभिन्न बिंदुओं की चर्चा करने की जगह केवल एक बात रेखांकित करूंगा कि 10 दिन के अंदर जिस तरह ऑक्सीजन की किल्लत को आपने कंट्रोल किया और पूरे देश को उस कठिनाई से उभारने का काम किया, ये सब बहुत ही अभिनंदनीय कार्य है। देश पूरा इसको देख रहा है। समय समय पर आपने हम सबको हमेशा मार्गदर्शन दिया कि आगामी चुनौतियां हैं, यदि तीसरी लहर संभावित है या और भी कोई चुनौती हेल्थ सेक्टर की आती है तो सभी मंत्रालयों को उस पर पहल करनी चाहिए। आपकी इसी प्रेरणा, आपके इसी मार्गदर्शन में हमारे विभाग ने, हमारी टीम ने यह एक विशेष कार्य योजना चिकित्सा क्षेत्र के दृष्टि से हम लोगों ने बनाई, क्योंकि कौशल भारत मिशन आपकी प्रेरणा से 2014-15 से जो शुरू हुआ और आपने जो मार्गदर्शन दिया उस क्रम में प्रतिवर्ष करोड़ों युवा इस कौशल भारत मिशन अभियान से जुड़ रहे हैं, स्किल्ड हो रहे हैं और आप सब ने, आपने जो हम सबको अभी गत 15 जुलाई को 2020 को विश्व युवा कौशल दिवस के दिन जो एक मंत्र दिया कि स्किलिंग की एक निरंतर जुनून होनी चाहिए, उस जुनून में स्किलिंग, रीस्किलिंग, अप स्किलिंग का जो मंत्र आपने दिया, उन सबको मद्देनजर रख करके हम लोगों ने इसमें 1,00,000 युवाओं को इस प्रारंभिक अभियान में कौशलीकृत करके इस चिकित्सा क्षेत्र में जो डॉक्टर्स पर, जो पैरामेडिकल पर, नर्सेज के ऊपर काम का दबाव है और आपकी पहल पर चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, आपकी पहल पर अनेक अस्पताल डीआरडीओ तक ने, सेना तक ने भी कमाल जगह जगह संभाली, तो इसमें कुशल कार्यबल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस पहल को आगे बढ़ाया और उसमें उच्च स्तरीय चिकित्सा परामर्श और चिकित्सा क्षेत्र के लोगों के परामर्श से 6 प्रकार के एक कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स का हम लोगों ने प्रावधान किया, जिसमें बेसिक केयर सपोर्ट, इमरजेंसी केयर सपोर्ट, एडवांस केयर सपोर्ट, सैंपल कलेक्शन से केयर सपोर्ट, होम केयर सपोर्ट, मेडिकल इक्विपमेंट सपोर्ट, ये 6 प्रकार के पाठ्यक्रम में इसमें जो प्रशिक्षित होंगे इनके आगे आने से और इसमें डॉक्टर्स और नर्सेस पर उनके काम का दबाव थोड़ा कम होगा, ये उनके सहयोगी बनेंगे जिससे वो और मरीजों की बेहतर प्रकार से सेवा कर सकेंगे। इस दृष्टि से हम लोगों ने एक देशव्यापी प्रयत्न किया, इसमें सभी राज्यों से संवाद स्थापित किया, सभी इस विषय के विशेषज्ञों से संवाद स्थापित किया और डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटियों को भी इसमें बड़े प्रभावी तरीके से उनकी सहभागिता सुनिश्चित की, जिसके चलते आपको आदरणीय प्रधानमंत्री जी बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इतना इसका रिस्पांस हुआ कि लगभग 3,50,000 युवा बिना किसी विशेष पहल के केवल एक विषय को नीचे पहुंचाने के क्रम में ही इससे जुड़ने को तत्पर हो गए। तो प्रथम चरण में हम लोगों ने 1,00,000 को इसमें चिन्हित किया और उसमें आपके उस मंत्र का भी ध्यान रखा कि फ्रेश स्किलिंग के साथ साथ
अप स्किलिंग, तो इसमें हम बड़ी संख्या में फ्रेश स्किलिंग कर रहे हैं और एक निश्चित संख्या में वो नौजवान जो इसी कौशल भारत मिशन के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के द्वितीय चरण में PMKY 2 के तहत प्रशिक्षित थे और विभिन्न अस्पतालों में लगे सेवा कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ लगभग 10,000 से अधिक उनको अप स्किलिंग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसकी रचना की है। इस रचना में हम सब लोगों ने 3 हफ्ते तक फ्रेश स्किलिंग वालों को और अप स्किलिंग को 1 हफ्ते तक इस परिप्रेक्ष्य में उनको ट्रेनिंग देंगे और 3 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद इनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए 3 माह के लिए विभिन्न चिकित्सा केंद्रों पर, अस्पतालों पर, विभिन्न डायग्नोस्टिक सेंटर पर, हेल्थ से जुड़े विभिन्न जगहों पर उसे जोड़ेंगे और ऑन द जॉब ट्रेनिंग के दौरान सरकारी अस्पताल हों, निजी अस्पताल हों, डायग्नोस्टिक सेंटर हों, उन पर किसी प्रकार का दबाव न हो, वो सहजता से इनको अपना के अपने यहाँ ट्रेनिंग में, इनकी ट्रेनिंग में भी प्रोवाइड करें और इनको अपना सहभागी भी बनाएं। इसलिए उस दौरान उनकी फूडिंग, लॉजिंग और उनको वहाँ पर कुछ स्टाइपेंड देके प्रोत्साहन की भी एक रचना बनाई गई है, उसका भी बेहतर रिस्पांस मिल रहा है। और इसके करने के बाद, ये प्रशिक्षित होने के बाद, हम इनमें इनकी क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 3 हफ्ते की ट्रेनिंग के दौरान भी इनके प्रमाणन में स्ट्रांग मॉनिटरिंग करेंगे ताकि उनको उचित प्रमाण पत्र उनकी पूरी क्षमता के आधार पर उनको मिले। और 3 महीने के उससे करने के बाद हम सब इनको फिर से सर्टिफाइड करेंगे उनकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग को, और तब उन्हें चिकित्सा क्षेत्र के लोगों के लिए एक लाख युवाओं की एक वर्कफोर्स आगामी चुनौतियों में तैयार रहेगी, जो समय समय पर आपका हमेशा बल, माननीय प्रधानमंत्री जी, देश की महान जनता की सेवा में रहता है कि हर क्षण हमको जनता के सुख दुख में, गरीबों की मदद में वहाँ खड़े रहना है, चिकित्सा की जरूरतों को वहाँ खड़े रहना है। तो वहाँ पर ये नौजवान खड़े रहेंगे और इनके वजह से ये प्रशिक्षित होने के बाद ऑक्सीजन प्रोवाइडर में, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में, वेंटिलेटर के मददगार में, ब्लड सैंपल कलेक्शन में, अन्य सैंपल कलेक्शन में, होम केयर हेल्थ सर्विसेज में एक मददगार फोर्स हमारी साबित होगी। इस दृष्टि से हम लोगों ने और आपकी प्रेरणा से इसी बजटीय प्रावधान में PMKY 3 जो लॉन्च हुई है आपकी कृपापूर्ण अनुमति से, उसी में से 273 करोड़ रुपए का इस दृष्टि से हम लोगों ने प्रावधान किया है। यह जो पूरी रचना बनी है, आज जो आप अपने कर कमलों से लॉन्चिंग करके, ये जो अपने प्रेरक मार्गदर्शन से शुभारंभ करने जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, वह देश के 100 जिलों में 111 केंद्रों पर आज ये कार्ययोजना प्रारंभ हो रही है और देश के विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में लोग इसमें बड़े उत्साह से जुड़े हुए हैं। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको एक बार सभी जुड़े लोगों का अभिनंदन करते हुए, मैं आज आपको यह भी भरोसा देना चाहूँगा, अभी आपने दुनिया के लिए G7 समिट की संबोधन में एक नया मंत्र दिया, आपने नया मंत्र दिया, वन अर्थ वन हेल्थ। ये भारत की प्राचीन जो सांस्कृतिक परंपरा है, दुनिया को परिवार समझना, वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया का 21वीं शताब्दी का, और विशेषकर कोविड की परिस्थिति में यह जो आपका महामंत्र है, कोविड के बाद की नई दुनिया के लिए, यह आपने उसी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया का एक विस्तार किया है। इसके लिए विशेष आपका अभिनंदन करते हुए इसी महामंत्र के क्रियान्वयन में हमारे विभाग ये छोटी सी एक सेवा की भूमिका में इस प्रशिक्षित युवकों के माध्यम से उपस्थित और जुड़ा रहेगा और आपके हर मार्गदर्शन पर पूरी जिम्मेवारी से, पूरी लगन से हम सब करेंगे। और आज आपके स्वयं इसकी लॉन्चिंग का हम सबका अनुरोध, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर आपने जो हौसला हम सबका बढ़ाया है, उसके लिए अभिनंदन करते हुए, अपने आप यह विषय देश की युवाओं में बहुत ही प्रेरक और बहुत ही उत्साहवर्धक बना है। इस अवसर पर आपकी अनुमति से हम एक लघु फिल्म प्रारंभ करना चाहेंगे जो इस पर
बना हुआ है, जिस पर लोगों ने जो जगह जगह से युवक जुड़े हुए हैं और जो इसके प्रतिभागी हैं, आपकी अनुमति से हम वो लघु फिल्म प्रारंभ करें। माननीय प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरे देश में युद्ध स्तर पर काम हुआ और सभी सरकार के तंत्र एकजुट होकर काम में लगे रहे। अन्य मंत्रालयों के साथ कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कदम से कदम मिलाकर अग्रणी भूमिका निभाई। पिछले साल देश भर में 2 लाख प्रशिक्षित व प्रमाणित हेल्थ केयर वर्कर्स की सूची केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को दी। इन फ्रंटलाइन वर्कर्स ने डॉक्टर्स और अन्य सहकर्मियों के साथ एकजुट होकर इस आपदा का पूरी बहादुरी और सामर्थ्य से सामना किया। हमारे डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ वर्कर्स के इतने बड़ी परिश्रम से ही इस दबाव को संभालना संभव हुआ है। देश में आगामी हर चुनौती का डटकर सामना करने के लिए एक ट्रेन वर्कफोर्स तैयार करने हेतु कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने एनएसडीसी तथा हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल के सहयोग से स्किल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कोरोना से लड़ने के लिए 6 नए कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स विकसित किए हैं। इनका उद्देश्य 1 लाख से अधिक स्वास्थ्य पेशेवरों की स्किलिंग और अपस्किलिंग कराना है। कोरोना फ्रंटलाइन कोर्स के अंतर्गत बेसिक मेडिकल केयर, इमरजेंसी केयर सपोर्ट, एडवांस केयर सपोर्ट, सैंपल कलेक्शन, होम केयर असिस्टेंस, मेडिकल इक्विपमेंट जैसे नए जॉब रोल्स में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन ट्रेनिंग में बेसिक इक्विपमेंट जैसे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, नेबुलाइजर, ईसीजी और पल्स ऑक्सीमीटर के काम करने में सहायता, आपात स्थिति के लिए एम्बुलेंस तैयार करने में मदद और पीड़ितों के घर में मेडिकल सहायता करना सिखाया जाएगा। उम्मीदवारों को सरकारी प्रमाण पत्र, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, स्टाइपेंड, 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, आवास की व्यवस्था शामिल है। साथ ही राज्य सरकारों को ये भी निर्देश दिया जा रहा है कि वे सभी उम्मीदवारों का टीकाकरण भी सुनिश्चित करें। शुरुआत में मंत्रालय द्वारा राज्य के सहयोग से 26 राज्यों में फैले 111 कौशल केंद्रों में कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ट्रेनिंग्स को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। जल्द ही इस ट्रेनिंग को देश भर में विस्तृत किया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय का लक्ष्य हेल्थ केयर सेक्टर में गुणवत्तापूर्ण सहायता प्रदान करना और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में योगदान देना है, ताकि हमारा देश सशक्त भारत और स्वस्थ भारत बन सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम आपसे पुनः अनुरोध करेंगे कि स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेष कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का बटन दबाकर शुभारंभ करते हुए हम सबको अपना प्रेरक मार्गदर्शन प्रदान करें। नमस्कार। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान महेंद्रनाथ पांडे जी, आर के सिंह जी, अन्य सभी वरिष्ठ मंत्रीगण, इस कार्यक्रम में जुड़े
सभी युवा साथी, प्रोफेशनल्स, अन्य महानुभाव और भाइयों और बहनों, कोरोना के खिलाफ महायुद्ध में आज एक महत्वपूर्ण अभियान का अगला चरण प्रारंभ हो रहा है। कोरोना की पहली बैच के दौरान, जब पहला वेव था, उस दौरान देश में हजारों प्रोफेशनल्स स्किल डेवलपमेंट अभियान से जुड़े। इस प्रयास ने देश को कोरोना से मुकाबला करने की बड़ी ताकत दी। अब कोरोना की दूसरी वेव के बाद जो अनुभव मिले हैं, वो अनुभव आज के इस कार्यक्रम का प्रमुख आधार बने हैं। कोरोना की दूसरी वेव में हम लोगों ने देखा कि कोरोना वायरस का बदलना और बार बार बदलता स्वरूप किस तरह की चुनौतियां हमारे सामने ला सकता है। ये वायरस हमारे बीच अभी भी है और जब तक ये उसके म्यूटेट होने की संभावना भी बनी हुई है, इसलिए हर इलाज, हर सावधानी के साथ साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमें देश की तैयारियों को और ज्यादा बढ़ाना होगा। इसी लक्ष्य के साथ आज देश में 1,00,000 फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स तैयार करने का महाअभियान शुरू हो रहा है। साथियों, इस महामारी ने दुनिया के हर देश, हर संस्था, हर समाज, हर परिवार, हर इंसान के सामर्थ्य को, उसकी सीमाओं को बार बार परखा है। वही इस महामारी ने साइंस, सरकार, समाज, संस्था और व्यक्ति के रूप में भी हमें अपनी क्षमताओं का विस्तार करने के लिए सतर्क भी किया है। पीपीई किट्स और टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर कोविड केयर और ट्रीटमेंट से जुड़े मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बड़ा नेटवर्क आज भारत में बना है, वो काम अब भी चल रहा है और वो इसी का परिणाम है। आज देश के दूर सुदूर में अस्पतालों तक भी वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पहुंचाने का भी तेज गति से प्रयास किया जा रहा है। 1,500 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट्स बनाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है और हिंदुस्तान के हर जिले में पहुंचने का एक भगीरथ प्रयास है। इन प्रयासों के बीच एक स्किल्ड मैनपावर का बड़ा पूल होना, उस पूल में नए लोग जुड़ते रहना, ये भी उतना ही जरूरी है। इसी को देखते हुए कोरोना से लड़ रही वर्तमान फोर्स को सपोर्ट करने के लिए देश में करीब 1,00,000 युवाओं को ट्रेन करने का लक्ष्य रखा गया है। ये कोर्स 2-3 महीने में ही पूरा हो जाएगा, इसलिए ये लोग तुरंत काम के लिए उपलब्ध भी हो जाएंगे और एक ट्रेंड सहायक के रूप में वर्तमान व्यवस्था को
काफी कुछ सहायता देंगे, उनका बोझ हल्का करेंगे। देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की मांग के आधार पर देश के टॉप एक्सपर्ट्स ने क्रैश कोर्स डिजाइन किया है। आज 6 नए कस्टमाइज कोर्स लॉन्च किए जा रहे हैं। नर्सिंग से जुड़ा सामान्य काम हो, होम केयर हो, क्रिटिकल केयर में मदद हो, सैंपल कलेक्शन हो, मेडिकल टेक्नीशियन हो, नए नए उपकरणों की ट्रेनिंग हो, इसके लिए युवाओं को तैयार किया जा रहा है। इसमें नए युवाओं की स्किलिंग भी होगी और जो पहले से इस प्रकार से काम में ट्रेंड हो चुके हैं उनकी अपस्किलिंग भी होगी। इस अभियान से कोविड से लड़ रही हमारी हेल्थ सेक्टर की फ्रंटलाइन फोर्स को नई ऊर्जा भी मिलेगी और हमारे युवाओं रोजगार के नए अवसर के लिए उनके लिए सुविधा बनेगी। साथियों, स्किल, रीस्किल और अपस्किल, ये मंत्र कितना महत्वपूर्ण है ये कोरोना काल ने फिर सिद्ध किया है। हेल्थ सेक्टर के लोग स्किल तो है थे ही, उन्होंने कोरोना से निपटने के लिए बहुत कुछ नया सीखा भी, यानी एक तरह से उन्होंने खुद को रिस्किल किया। इसके साथ ही उनमें जो स्किल पहले थी उसका भी उन्होंने विस्तार किया। बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपनी स्किल को अपग्रेड या वैल्यू एडिशन करना, ये अपस्किलिंग है और समय की यही मांग है। और जिस गति से टेक्नोलॉजी जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश कर रही है, तब लगातार डायनेमिक व्यवस्था अपस्किलिंग की अनिवार्य हो गई है। स्किल, रीस्किल और अपस्किल के इस महत्व को समझते हुए देश में स्किल इंडिया मिशन शुरू किया गया था। पहली बार अलग से कौशल विकास मंत्रालय बनाना है। देश भर में प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र खोलना हो, ITIs की संख्या बढ़ाना हो, उनमें लाखों नई सीट जोड़ना हो, इस पर लगातार काम किया गया है। आज स्किल इंडिया मिशन हर साल तो आपने सुनते प्रधानमंत्री प्रतिक्रिया आसूला जहाँ से अभिभाषण रखुले अनेक कि गुरुत्वपूर्ण आलोचना करनेक कि महत्वपूर्ण कथ विशेषकर द्वितीय लहर में आम अनेक कि अनुभव करा सहित जो नुआ नुआ वेरिएंट आसुची ए सब भितर आमको अनेक कि शिखा को मिलूँ आज जो कि आज ये कार्यक्रम अर्थात अनुकूल क्रास कोर्स कार्यक्रम शुभारंभ कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान डॉक्टर हर्षवर्धन ये अनेक मंत्री उपस्थित थे। विशेषकर 26 राज्य में 111 प्रशिक्षण केन्द्र में यह तालीम कार्यक्रम करा जाए बोली कहते प्रधानमंत्री।